फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस इलस्ट्रेटर के क्लास नंबर 5 में हम लोग सीखने वाले हैं ये तीन टूल्स, जिसमें है इरेजर टूल, सीजर्स टूल्स और नाइफ टूल। इन तीनों का क्या यूज है, इसको अच्छे ढंग से समझते हैं। सबसे पहले इरेजर टूल। इन तीनों में से किसी भी टूल की सेटिंग्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस टूल पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो इरेजर टूल के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगा, यानी कि जो इरेजर टूल है एक तरह का ब्रश है, उस ब्रश को आप कैसे यूज करना चाहते हैं, उसकी साइज यहां से आप रिसाइज कर सकते हैं, यहां से इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं और ये राउंडनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने राउंडनेस को कम या ज्यादा किया है तो आप इसके एंगल को किसी भी एंगल में चेंज करके आप यूज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको मिलता है, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। फिलहाल मैं इसको कैंसिल करके यूज करता हूँ इरेजर टूल। इसके साइज को बड़ी या छोटी करने के लिए आप यूज करेंगे ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट से साइज छोटी होती है, क्लोज ब्रैकेट से साइज बड़ी होती है, ध्यान रखेंगे। ये उल्टा चलता है, ओपन ब्रैकेट से छोटी होगी, क्लोज ब्रैकेट से बड़ी होगी। अब देखें, आपके सामने दो तीन चीजें होंगी। एक कोई एक स्ट्रोक सिंगल हो सकता है, कोई एक लाइन हो सकती है और एक ऐसा शेप हो सकता है जो विदाउट स्ट्रोक हो, और कुछ शेप ऐसे भी हो सकते हैं जो स्ट्रोक के साथ है। इन तीनों चीजों में आप इरेजर टूल को कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले ये स्ट्रोक है, अगर मैं बीच से इसको यहां से कट लगाने की कोशिश करता हूं ऐसा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये एरिया पूरा कट गया है, लेकिन जैसे ही आप माउस को छोड़ेंगे ये देखें क्या हो गया, आपका स्ट्रोक जहां जहां पर आपने ब्रश अप्लाई किया था वहां तक फैल गया है। जब भी आप इसको कट करने की कोशिश करेंगे ये स्ट्रोक नीचे तक चला जाएगा। तो अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि आपको यहां से कट करना है तो आप नॉर्मली इरेजर टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको यूज करना पड़ेगा पाथ इरेजर टूल, जो पिछले क्लास में हमने बताया था। ये शेपर टूल के ग्रुप में होता है, यहाँ है पाथ इरेजर। किसी भी पाथ को सिलेक्ट करके और इसको आप जहां से चाहें वहां पर इसको डिलीट कर सकते हैं ऐसे। अब अगर आप इरेजर टूल यूज करते हैं तब आप इसको आगे तक इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एंगल में जहां तक भी चाहूं मैं इसको इरेज कर सकता हूं, लाइक दिस। तो बीच से अगर कट लगाना है तो आप इरेजर टूल को यूज करने से पहले पाथ इरेजर टूल से उसको कट लगा दीजिए। नेक्स्ट है आपके सामने ये एक शेप जो विदाउट स्ट्रोक है। इस तरह के विदाउट स्ट्रोक को इरेजर टूल से कट करने के लिए आप इरेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग करेंगे ये कट जाएगा। चूंकि स्ट्रोक है नहीं तो आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी, सिंपली ये बीच से कट जाएगा। इवन कि इसको आप इस पार से उस पार तक ऐसे कट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में, किसी भी साइज में, जैसे भी कट करना चाहें आप इसको कट कर सकते हैं। लोगो डिजाइनिंग में ये काफी हेल्प करता है, इसके साइज को छोटी बड़ी करके अपने हिसाब से आप जैसे चाहें वैसे इसको कट लगा सकते हैं। और यही जो हमने कट लगाया है, ये अगर मैं स्ट्रोक के साथ जो शेप है इसको कट करूं तो ये स्ट्रोक साथ में आगे बढ़ेगा। ये देखें, इसको मैं कुछ ऐसा कट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखें। ये टूल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं टूल्स की हेल्प से आप किसी भी डिजाइन को बना पाते हैं। तो इन टूल्स का जो बेसिक चीजें हैं इसको आप समझते चलें। नेक्स्ट आपके सामने है सीजर्स टूल। सीजर्स, जिस तरीके से इसका आइकन बनाया गया है, इसका काम है कैंची की तरह से बीच से कट लगा देना। जैसे अगर मैं सीजर्स टूल लेता हूं और मैं चाहता हूं इसको बीच से कट लगाना, सिर्फ आप एक जगह पर क्लिक कर दें और दूसरी जगह पर कहीं क्लिक करना चाहते हैं ये क्लिक कर दें। अब देखें, टू पार्ट में डिवाइड हो गया होगा, ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया। किसी एक जगह से आपको कट लगाना था वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको किसी एक कॉर्नर से, किसी एक पॉइंट से कट लगाना चाहता हूं, सिर्फ आप उस पॉइंट पर या उस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। एंकर पॉइंट होना जरूरी नहीं है कि अगर एंकर पॉइंट है तभी कट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी पार्ट पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो उस एरिया से इसको टू पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब देखें, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाता हूं तो इस पार्ट को मैं अलग कर सकता हूं और उस पार्ट को अलग कर सकता हूं, ये देख सकते हैं। तो ये बेनिफिट मिलता है आपका सीजर्स टूल्स का। लेकिन जहां पर शेप है इसको कट लगाना चाहते हैं तो इसमें वही सेम चीज होगा, आप लेंगे और कोई भी एक पॉइंट पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर रहते हुए इस पॉइंट को इनसाइड किसी भी एंगल में ले जा सकते हैं, इसको भी आप जिस एंगल में करना चाहते हैं उस एंगल में ले जा सकते हैं इसे। तो ये भी बेनिफिट मिलता है कि किसी भी शेप को आप बीच से कट लगाना चाहते हैं स्ट्रोक के साथ, आप उसको कट करके एक अलग रीडिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है नाइफ टूल। नाइफ टूल का एक बेनिफिट मिलता है कि आप उसको जिगजैग लाइन बना करके कट कर सकते हैं। जैसे इस शेप को मैं कट लगाना चाहता हूं तो इसको सेलेक्ट करूंगा
और उसके बाद जिग जैग लाइन इस तरीके से मैं बनाऊंगा। अब देखें ये कुछ इस तरीके से कट जाएगा। अब इन दोनों को मैं अलग अलग कर सकता हूँ। लुक एट दिस। अगर आप लोगों ने बर्गर खाया है तो उसका लुक एंड फील आप दे सकते हैं, जैसे ये शेप हमने कुछ ऐसा बनाया है। और इसका कलर भी मैं कुछ ऐसा ही यूज करने की कोशिश करता हूँ। और अब इसका एक स्ट्रोक भी यूज कर लेते हैं, बहुत ही लाइट सा स्ट्रोक मैं रखता हूँ इसका। अब मैं इसको कट करता हूँ नाइफ टूल से। ये देखें, अब आप सिंपली इसको ऊपर कर दें कुछ यूं, देखें तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको नाइफ टूल का। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन तीनों टूल्स में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि वीडियो अब रेगुलर अपलोड करूं, लेकिन आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए और लोगों से शेयर कर दें। आप लोगों के वीडियो पूरा देखने से दूसरे जो सब्सक्राइबर हैं वहां तक भी नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, यूट्यूब उसको सजेस्ट कर देता है। लेकिन अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो दूसरे लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। और मेरे ट्यूटोरियल्स अगर आप लोगों को सच में अच्छे लगते हैं तो आप उसको लाइक जरूर कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।